जेंटलमैन, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग फ्रॉम पॉन्डिचेरी। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आप कौन सी डे ट्रिप पे जा सकते हो पॉन्डिचेरी से। वी आर गोइंग टू द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। पॉन्डिचेरी से ड्राइव करते हुए आपको 2.5 घंटे लगेंगे। हम करीब आधा घंटा दूर है। अब हमने काफी ड्राइव कर लिया है, सिटी क्रॉस कर लिया है, ट्रैफिक क्रॉस कर लिया है, और आप जैसे देख सकते हो पीछे मेरे ग्रीन फील्ड स्टार्ट हो गया है और वेदर बहुत अच्छा है। तो जब भी आप पिचावरम की साइड आ रहे हो, आप बहुत सारी ग्रीन फील्ड्स क्रॉस करोगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं 2 जन के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, बोथ ऑफ देम आर डाइवर्स। एक का नाम है निखिल, एक का नाम है केवमैन। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पहुँच के नज़ारे कैसे हैं, क्या एंट्री चार्जेस हैं, बोट राइड कैसी होती है। बहुत छोटा व्लॉग होने वाला है, सो वी विल गो देयर राइट नाउ। Coming to Kerala in April, FYI. Oh, I might be in April. Where are you going to get in Kerala? Kochi. Ah, fantastic. I'm in Kochi. Kochi is like... I'm in Alapura, boat house. They're charging 70. Yeah. You want to take a picture of this? Thank you. People, we have finally reached Pichavaram. जो मेरे पीछे है वो है एंट्री। हम अभी पार्क करके आए थे, पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, थोड़े बहुत खाने वाले स्पॉट्स हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आइसक्रीम खाने के बाद हम बुकिंग सेंटर पे जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने की टिकट्स हैं। थैंक यू को क्या बोलते हैं? नंद्री। है? नंद्री। थैंक यू। Yeah, I'm just worried about my gadgets. Otherwise, I'm cool. तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी पीछे क्या हुआ है। तो बेसिकली हमने टिकट ली थी, आप 1 घंटे की ले सकते हो, 2 घंटे की ले सकते हो। सो इस बोट की कॉस्टिंग 340 रुपये है, 340 रुपीज़, और 1 घंटा हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के अभी अंदर जा रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? सुकुमार। सुकुमार, एंड यू आर फ्रॉम हियर ओनली? ओके, एंड यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर हाउ लॉन्ग? नहीं, एतना வருஷமா பண்றீங்க? ஒரு 50 இயர்ஸ். 15. Get to that village, you have to go by boat and come by boat. Oh, very cool, na? Ladies and gentlemen, मैं हूँ सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट में। बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ मैं इस जगह के बारे में। ये जगह ऑनलाइन तो वैसे लिखा है 1100 हेक्टर्स, 111 हेक्टर्स की है, बट हमें हमारी बोट गाय बोल रहे हैं कि 6000 हेक्टर्स है। सो आई डोंट नो क्या सच है, आप लोग बताइएगा अगर आपको पता है तो। और भैया कह रहे हैं कि आपको 1 महीना लगता है ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने में, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये एरिया। बे ऑफ बंगाल से जाके मिलता है, बे ऑफ बंगाल पे जाके मिलता है। ओके वेट, सो ये एरिया बे ऑफ बंगाल जाके मिलता है और बीच में एक बहुत ही सैंड का बेड है जिससे सेपरेटेड है, सो इट इज़ वेरी कूल। हम थोड़ा 1 घंटे का बोट राइड करने वाले हैं और एकदम मिडल ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट है एंड इट इज़ amazingly beautiful. ana neenga mudichite neenga poitinga ha mudichinga vandhu poichu naanga boating poichidanga. So what is saying on the day of the tsunami and so right now it's brown, right? So this is basically the color of the mangrove forest. So when the tsunami came in, it became like kind of grayish water. And they all thought usually it's never like this, but they finished their tours, everything, and then they went back and only then they realized, oh, this is happening. So, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये लोग क्या कह रहे हैं। जो 2004 में सुनामी आई थी, मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था, हिट नहीं किया था तमिलनाडु में, इस एरिया में एक्चुअली सुनामी की वजह से, बिकॉज मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्टेड एज वन ऑफ द बैरियर्स। और इनफैक्ट मुझे यहाँ पे लोकल्स ने ये बताया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर मरीन लाइफ। क्यों? Like lot of हाँ बताओ a lot of marine species come upland into the mangroves to breed, lay eggs. Okay. So you'll see a lot of juvenile species in here. Okay. So they lay eggs here and then they go back. Okay. Yeah, wow. तो हम एक्चुअली एक बहुत ही केव जैसे एरिया में आ गए हैं, जो मैंग्रोव का पूरा केव बना हुआ है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो ये
जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं. इट फील्स लाइक अ ब्लैंकेट, इट फील्स लाइक अ केव एंड इट इज मेस्मराइजिंग. This is which one? Pal Sarbat. No problem. Thank you. Good. So guys, that was Pichavaram. It was so amazing, so worth it. You have to see the second largest mangrove forest. अभी हम थोड़ा ड्राइव करके आए हैं सैमियार पेटे. आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द विलेज. मुझे नाम की प्रोनाउंसिएशन करेक्टली नहीं पता, बट मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हो. उसका ये बीच है जहाँ पे बेसिकली लोकल्स हैं. मेरे पीछे बोट्स हैं फिशरमैन के एंड द क्रिस्टल क्लियर बीच. इट इज सो ब्लू, सो प्रिटी. आप यहाँ पे सनसेट देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. मैं यहाँ पे अपना व्लॉग इन कर रही हूँ. सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.